इस समय दो बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। एक तो आ रही है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के बजट और उसमें भारत के कंट्रीब्यूशन को लेकर, और दूसरी अपडेट आ रही है भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की प्री वेडिंग पार्टी के कारण रात के 4 बजे जो इटली में बवाल हो गया था उसको लेकर। दोनों अपडेट्स हम इसी एक वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बजट से जुड़ा एक डेटा सामने आया है जिसमें भारत और बाकी तमाम देशों के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कौन से रीजन में होगी, कहां पर होगी कहां पर नहीं, ये डिसाइड होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहां पर 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट देश होते हैं। कई बार तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये खुद ही देखती है कि कहां पर कौन कौन से देश आपस में लड़ रहे हैं जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज और ह्यूमन राइट वायोलेशंस काफी ज्यादा हो रही हैं, और वहां की लोकल अथॉरिटी से सिचुएशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है। इसके अलावा देखा जाता है कि कौन कौन से युद्ध बाकी रीजन में भी फैल सकते हैं, या फिर एक देश के ऊपर दूसरा मजबूत देश जबरदस्ती हमला करके उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा वॉर जोन में ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस या फिर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना, वॉर के कारण इफेक्ट हो रहे जरूरतमंद लोगों तक एड पहुंचाना, किसी भी देश में पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्शंस के टाइम पर वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन सब चीजों के लिए भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन मोटे मोटे तौर पर यही है। कई बार क्या होता है कि कुछ कमजोर देश खुद भी यूनाइटेड नेशंस के पास जाकर हमें सामने वाला देश की या फिर कोई ग्रुप उनके ऊपर हमला कर रहा है और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। एंड अगर फिर सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि कोई देश अपने आप को डिफेंड करने में जेन्युइनली कैपेबल नहीं है, उसकी खुद की क्षमता नहीं है, तो फिर ग्लोबल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए भी सिक्योरिटी काउंसिल आपस में डिस्कस और डिबेट करके पीस कीपिंग फोर्सेस को पर्टिकुलर रीजन में वहां पर डिप्लॉय करती है। सारे पीस कीपिंग मिशंस के लिए ऑथराइजेशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ही आती है। वहां पर एक रेजोल्यूशन लाया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की जानी है या फिर नहीं, और अगर वहां पर कोई देश वीटो कर ले तो डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाती है या फिर रेजोल्यूशन गिर जाता है। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर एरिया में डिप्लॉयड यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के क्या गोल्स होंगे, उनके वहां पर क्या रोल्स होंगे, ये भी सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करती है, और ये चीज कुछ समय के बाद रिव्यू भी की जाती है, और ये देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या पीस कीपिंग फोर्सेस की जरूरत है भी या फिर नहीं, और जब सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है या सुधर जाती है तो वहां से पीस कीपिंग फोर्सेस को विथड्रॉ भी कर लिया जाता है। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में वैसे तो कई सारे स्टाफ होते हैं लेकिन प्राइमरली 3 कैटेगरी के स्टाफ होता है, जिसमें पहली कैटेगरी आती है मिलिट्री पर्सनल्स की, उसके अंदर फिर ट्रूप्स आ जाते हैं, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और स्टाफ ऑफिसर्स आ जाते हैं। सेकंड कैटेगरी आ जाती है पुलिस पर्सनल्स की। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको बता दूं कि पुलिस को भी यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के लिए डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाती है सिविलियन स्टाफ की, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफिसर्स होते हैं, उसके अलावा ह्यूमन राइट ऑफिसर्स होते हैं और भी कई सारे रोल्स के ऑफिसर्स होते हैं। एक डेटा के मुताबिक इस समय दुनिया भर के जितने भी तमाम यूएन पीस कीपिंग मिशंस हैं वहां पर 75,000 की संख्या में यूएन पीस कीपिंग की फोर्सेज हैं, यानी 75,000 की संख्या में स्टाफ है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर यूएन पीस कीपिंग में इतना स्टाफ होगा तो इनको सैलरीज, अलाउंसेस, लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाईज, आर्म्स, एमुनिशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, इनके ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, इक्विपमेंट और फिर इसके अलावा और भी कई प्रकार के खर्च होते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बजट से ही पूरे होते हैं, और जो यूएन पीस कीपिंग बजट होता है इसमें यूएन के सभी सदस्य देश कंट्रीब्यूशन देते हैं। लास्ट ईयर साल 2023-24 में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के ऊपर टोटल खर्च आया था $6.5 बिलियन। अब हम परसेंटेज टर्म में देखेंगे कि ये जो $6.5 बिलियन का बजट बना इसमें कौन से देश ने कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन दिया, और हम मेजर कंट्रीज का टॉप टू बॉटम रैंक देखेंगे। सबसे ज्यादा पैसे देता है अमेरिका, टोटल पीस कीपिंग बजट का 27% अकेले अमेरिका ही पे करता है। वहीं पर सेकंड नंबर के ऊपर है चाइना, और चाइना कंट्रीब्यूट करता है 18%। थर्ड के ऊपर 8.5% की कंट्रीब्यूशन के साथ आता है जापान, और फोर्थ के ऊपर जर्मनी भी 6.3% की कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं पर फिफ्थ पोजीशन के ऊपर 5.6% की कंट्रीब्यूशन आती है फ्रांस की तरफ से, और सिक्स नंबर के ऊपर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देता है 4.8% का बजट। सेवन नंबर के ऊपर इटली भी देता है टोटल बजट का 3.7%, और एट्थ के ऊपर कनाडा देता है टोटल बजट का 2.9%। एंड इन सब के बाद नाइन्थ पोजीशन के ऊपर है भारत, जो कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के बजट में से 2.85% का कंट्रीब्यूशन देता है। वैसे देखा जाए तो रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, लेकिन रशिया का कंट्रीब्यूशन भारत से भी कम है, और रशिया का रैंक है 11th। रशिया केवल 1.9% ही कंट्रीब्यूशन देता है। कौन सा देश यूएन पीस कीपिंग मिशंस के बजट के लिए कितना परसेंटेज अमाउंट देगा ये डिसाइड होता है किसी भी देश की जीडीपी से, और एक और फैक्टर होता है। अब क्योंकि हमारी जीडीपी अब भारत की जीडीपी इटली और कनाडा से ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये देश भारत से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि जीडीपी के साथ ये भी कंसीडर किया जाता है कि किसी देश की ग्रॉस नेशनल इनकम कितनी है, क्या कोई डेवलप्ड देश है या फिर डेवलपिंग देश है या फिर लीस्ट डेवलपिंग देश है।
रशिया की जीडीपी भारत से भी कम है, इसलिए रशिया भारत से नीचे आता है और हमसे कम कंट्रीब्यूशन देता है। इनफैक्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उनमें सबसे कम जीडीपी और ग्रॉस नेशनल इनकम रशिया की है। भारत का रैंक जहां पर 9th है, वहीं पर पाकिस्तान का रैंक है 21st, और पाकिस्तान भी यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज के बजट में 0.94% का कंट्रीब्यूशन देता है, यानी 1% से भी कम। पाकिस्तान को इतना देना चाहिए, और ये नहीं कहा जा सकता है कि क्या पाकिस्तान की सरकार अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है या फिर नहीं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी पता चली है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में जो देश सबसे टॉप के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रूप्स भेजने वाला बांग्लादेश है। बांग्लादेश के बाद सेकंड नंबर के ऊपर इथियोपिया, थर्ड के ऊपर भारत के अप्रोक्सीमेटली 5,500 ट्रूप्स आज की डेट में दुनिया के अलग अलग यूएन पीस कीपिंग मिशंस में डिप्लॉयड है। फोर्थ के ऊपर पाकिस्तान के 4,800 ट्रूप्स, और फिफ्थ नंबर के ऊपर रवांडा है, सिक्स्थ के ऊपर नेपाल, सेवन्थ के ऊपर इजिप्ट, एट्थ के ऊपर घाना, 9th के ऊपर नाइजीरिया और 10th के ऊपर सेनेगल। आपने देखा होगा कि टॉप 10 में वो देश नहीं है जिनकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत है, जैसे कि अमेरिका, बल्कि अफ्रीकन और एशियन देश ज्यादा हैं। इसके पीछे का कारण ये भी है कि ये देश यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में अपने ट्रूप्स काफी ज्यादा भेज सकते हैं, जितना हो सके उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। जहाँ पर एक तरफ भारतीय सेना ट्रूप्स के एक्सपीरियंस के लिए उनको यूएन पीस कीपिंग मिशंस के लिए भेजती है, लेकिन ये पाकिस्तान, इथियोपिया और रवांडा जैसे जो देश होते हैं, ये अपनी सेना के ट्रूप्स वहाँ पर इतनी ज्यादा इसलिए भेजते हैं क्योंकि वहाँ पर इनको सैलरीज भी बहुत ही ज्यादा मिलती हैं। $1,500 से स्टार्ट होकर $6,500, और ये पर मंथ की सैलरी बता रहा हूँ, इसके अलावा अलाउंसेस अलग से। भारत के सैनिकों की तो खैर भारत के अंदर भी काफी सैलरीज है, लेकिन अगर पाकिस्तान के किसी सैनिक का एक बार यूएन का चक्कर लग गया तो उसको इतना पैसा मिल जाता है कि वो नौकरी छोड़ दे। वैसे ये था यूएन पीस कीपिंग मिशंस का लेखा जोखा। आर्टिकल मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो निकल कर आ रही है इटली और भारत को लेकर। दरअसल इटली के लोग भारत से काफी नाराज हैं, जिसका कारण है एक लग्जरी क्रूज शिप के ऊपर हो रही पार्टी, और ये भारत से लिंक्ड है। जैसा कि आपको पता है कि अनिल अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी होने वाली है, और फिलहाल वो पिछले कई महीनों से अपनी प्री वेडिंग ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हुआ ये कि भारत में एक लेविश पार्टी थ्रो करने के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अपने दोस्त और कोलीग्स के साथ यूरोप पहुंचते हैं। मैप के ऊपर मैंने ये लोकेशन मार्क की है, ये इटली की बीच सिटी जिनोवा, और इसी के पास है पोर्टोफिनो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इटली के साइड पर एक तरफ फ्रांस है, उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेन, और इटली के राइट साइड के ऊपर ग्रीस सिचुएटेड है, और ये सारी यूरोप की प्रीमियम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। ऐसे में अनंत अंबानी अपना एक लग्जूरियस क्रूज शिप लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। खबर आ रही है कि जैसे ही अनंत अंबानी का क्रूज शिप जब इटली की बीच सिटी जिनोवा और पोर्टोफिनो पहुंचा, उस समय रात के 2-3 बज रहे थे, एंड इस क्रूज शिप के ऊपर इतना लाउड म्यूजिक बज रहा था कि बीच के ऊपर लोकेटेड जितने भी घर थे वहां पर रह रहे लोग पूरी रात काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, एंड कई सारे लोगों ने तो पुलिस को कंप्लेंट भी की। लेकिन सुबह तक अनंत अंबानी के लग्जूरियस क्रूज शिप के ऊपर लाउड म्यूजिक बजता रहा, क्योंकि इटली पुलिस ने भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था। अनंत अंबानी इस क्रूज शिप के ऊपर अपने साथियों के साथ वहां पर प्री वेडिंग पार्टी कर रहे थे, जो कि एक तरह से लेट नाइट पार्टी थी। अब इसी को लेकर जिनोवा और पोर्टोफिनो दोनों के लोगों ने शिकायत की है। इवन कोस्ट गार्ड ने भी लेट नाइट इस लग्जूरियस क्रूज शिप के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। एक तो चलो ये कंप्लेंट होगी कि लोग देर रात तक सो नहीं पाए, सुबह सवेरे सभी को काम के ऊपर जाना होता है और सबकी नींद खराब हुई। लेकिन इसी के साथ जब अंबानी के गेस्ट अगले दिन बीच सिटी के ऊपर रुककर वहां पर सिटी घूम रहे थे, तो उनकी सिक्योरिटी के चलते वहां पर आधी सिटी में कर्फ्यू वाली सिचुएशन पैदा हो गई थी। प्राइवेट फंक्शंस के लिए सिटी के एक बहुत ही बड़े हिस्से को वहां के आम लोगों के लिए क्लोज कर दिया गया था, यानी बंद कर दिया गया था। वहां पर केवल अनंत अंबानी और उनके गेस्ट ही जा सकते थे। इसके कारण ना सिर्फ लोकल्स को परेशानी हुई, बल्कि इन बीच सिटीज के ऊपर वहां पर जो टूरिस्ट घूमने आए थे उनको भी काफी परेशानी हुई। अब क्योंकि आधी सिटी बंद हो गई थी, तो उसके कारण टूरिस्ट वहां पर कोई भी लोकल टूर नहीं ले रहे थे। इसकी वजह से क्या हुआ कि इस इटली के पोर्टोफिनो में वहां पर लोकल टूरिस्ट गाइड्स को इसका काफी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनसे वहां पर कोई टूर पैकेजेस ही नहीं परचेज कर रहा था, जिसके बाद उन सब ने मिलकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कंप्लेंट की। लेकिन सिटी का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन तो अंबानी के फंक्शन के लिए बुक था, और सिक्योरिटी के इंतजाम के चलते ही सिटी के एक मेजर पोर्शन को आम लोगों के लिए बंद किया गया था। उस सिक्योरिटी से तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, एंड मोर ओवर इसके लिए अंबानी ने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को कई मिलियन डॉलर्स पे किए होंगे, इसलिए लोकल टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स और लोकल टूरिस्ट गाइड्स की बात भी नहीं सुनी गई। जिसके बाद लोकल टूरिस्ट गाइड्स ने मीडिया हाउसेस को बताया कि जिस वीकेंड के ऊपर अंबानी ने पोर्टोफिनो में पार्टी दी थी वो उनका पूरा वीकेंड पूरी तरह से खराब हो गया है और उनकी कोई भी कमाई नहीं हुई। उनकी शिकायत यह है कि उनकी पूरी इनकम टूरिस्ट गाइड के काम के ऊपर ही निर्भर करती है, और जिस वीकेंड में उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। अब ये पूरा इंसिडेंट 2 जून के आसपास का बताया जा रहा है, यानी कि पिछले हफ्ते के वीकेंड का। इसके साथ ही वहां पर एक फेमस रेस्टोरेंट भी था जहां पर सेलिब्रिटीज वहां पर विजिट करते हैं। इस रेस्टोरेंट के मैनेजर की भी कंप्लेंट थी। उन्होंने कहा कि उनको प्रिपेयर करने के लिए केवल 20 दिन का शॉर्ट पीरियड नोटिस दिया गया था, यानी कि प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत ही कम दिया गया था, लेकिन डिमांड वो बहुत ही ज्यादा थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत ही बैड मैनर्ड और रूड बिहेवियर था। उन्होंने भी अपने गेस्ट की शिकायत की, यानी कि अंबानी की शिकायत की, और नाराजगी जताई।
ये पूरा इंसिडेंट यूरोप के कई सारे मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया है, खासकर इटली के, और कहा है कि भारत के एक अमीर व्यक्ति के कारण इटली के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। कुछ इस तरह की हेडलाइंस वहां पर छापी गई।